अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम अपनी जो एज है वो कैलकुलेट करना सीखेंगे। सपोज़ करते हैं कि आज जो डेट है वो है 25 अक्टूबर 2018। यानी कि आज डेट क्या है, 25 अक्टूबर यानी 10वें महीने की 25 तारीख है और 2018 है। यानी यहाँ पर क्या है, डेज़, यहाँ पर डेज़ हैं और यहाँ पर क्या है, मंथ्स, और यहाँ पर क्या है, ईयर्स। ठीक है, हम अब मेरी बर्थ डेट क्या है, 22 सितंबर 1995। जैसे ये सपोज करते हैं ये बर्थ डेट है, तो हमने एज निकाली है हमारी, अभी तक एज कितनी हो गई है। तो सबसे पहले जो आपने काम करना है वो है डेज़ में से माइनस करना है। ठीक है, ये जो डेज़ हैं इनको आपने पहले माइनस करना है, फिर आपने मंथ्स को माइनस करना है, फिर आपने ईयर्स की तरफ जाना है। आपने ये नहीं करना कि पहले ईयर्स को माइनस करना शुरू कर देना। सबसे पहले जो छोटी चीज़ें होती हैं जैसे डेज़, सबसे पहले डेज़ में माइनस करते हैं, 25 में से 22 निकालें तो हमारे पास कितना बच जाता है, 3 डेज़। ठीक है, 10 में से 9 निकालें तो 1 डेज, और 2018 में से यानी 8 में से 5 निकालें तो 3 बचता है, और 10 में से 9 निकालें तो सॉरी 11 में से 9 निकालें तो 2 बचता है, और इधर 9 बच जाएंगे कैरी जब लेंगे तो 9 में से 9 ज़ीरो होता है, 1 में से 1 ज़ीरो होता है। इसका मतलब है मेरी जो एज हो चुकी है अभी तक वो है 23 ईयर्स और 1 मंथ एंड 3 डेज। ठीक है, अब ये तो सिंपल ही हमने माइनस किया ना। अगर इस तरह का कोई नंबर आ जाए, इस तरह की कोई डेट आ जाए जिसमें डेज़ बड़े हो जाएँ नीचे, माइनस 10 2018, अब मसलन ये आ जाए नीचे क्या आ जाए, 27 आ जाए। ठीक है, और नीचे इधर आ जाए 11 आ जाए, और ये इसी तरह रहने देते हैं 95। ठीक है, अब ये क्या हो चुका है, ये डेज़ हैं, ये मंथ्स हैं, और ये क्या हैं, ईयर्स। ठीक है, अब 25 में से 27 तो नहीं माइनस हो सकता, इसलिए हमें यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा। आप देखें इधर जब कैरी लेंगे यहाँ पर तो मंथ्स हैं, तो एक मंथ में कितने, यहाँ से एक कैरी लेंगे ना, एक कैरी लेके जब इधर आएंगे तो इधर तो डेज़ हैं, एक मंथ में कितने डेज़ होते हैं, 30 डेज़ होते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से जब कैरी लेंगे तो इधर आके क्या बन जाएगा, 30 प्लस 25 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 55। ठीक है, 55 आएगा, उसमें से 55 में से हमने 27 को माइनस करना है, 15 में से 7 निकालें तो 8, और यहाँ पर 4 बचेंगे, 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 बचेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 28 डेज़। यानी डेज़ हमारे कितने आ गए, 28। अब यहाँ से हमने एक कैरी लिया था, इधर कितने बच गए हैं, इधर तो बच गए हैं जी 9। अब 9 में से 11 तो नहीं निकल सकते माइनस, तो यहाँ से फिर क्या कैरी लेना पड़ेगा, ईयर्स में से, एक साल में कितने महीने होते हैं जी, 12 महीने होते हैं। यहाँ से एक कैरी लेंगे, इधर मंथ्स में जब आएगा तो ये कितने हो जाएंगे, 12, क्योंकि एक साल हमने लिया यहाँ से कैरी, तो इधर आके 12 महीने बन जाएंगे। 12 और 10 कितने होते हैं जी, सॉरी 12 और 9, यहाँ पर 9 बचे थे ना, 12 और 9 21 होते हैं, 21 में से 11 निकालें तो 10 बच जाते हैं, और यहाँ से एक कैरी जब हमने लिया था तो 2018 में से एक चला गया तो 2017 रह गए इधर, तो 7 में से 5 निकालेंगे तो 2 बच जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 11 में से 9 निकालेंगे तो फिर 2 बच जाएगा। तो इसका मतलब है हमारी जो उम्र आएगी, किसी भी जो जिसके ये बर्थ डेट है उसकी उम्र आएगी 22 साल और 10 महीने और 28 डेज़। तो इस तरह दो डेट्स को हम माइनस करके अपनी बर्थ डेट जो सॉरी एज अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।